नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि किनका एडमिट कार्ड आएगा। दोस्तों, आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होने लगा है, आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होने लगा और एक कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, किसी भाई ने टाइटल गलत कर दिया, तो किसी भाई ने फादर का नेम गलत कर दिया, तो किसी भाई ने जनरल कैटेगरी होते हुए भी एससी का फॉर्म डाल दिया। उन सब का क्या होगा? सबका भाई रिजेक्ट हो रहा है। भाई, आप लोग का बता रहा हूँ, जिनका अप्रूव का भी मैसेज आ गया तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिनका कैटेगरी गलत है, उनका अप्रूव का मैसेज आ गया है तो उनका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन फिजिकल के दिन वो छट जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, आज वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, हम इसके बारे में आपको एकदम फुल डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आज वीडियो आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बाद में फिजिकल के दिन पछताना ना पड़े। और मैं इसका कुछ आपको प्रूफ करके भी बताऊँगा कि आपको इस तरह से ले जाना है डॉक्यूमेंट, ताकि आपको कुछ करेक्शन अगर आपने गलत कर दिया तो वहां आपको सही चीज आप दिखाओगे तब आपका जाके एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो इस पे आप ध्यान दीजिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देखिए, एडमिट कार्ड किनका आएगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एडमिट कार्ड आएगा किसका। भाई, ये चीज पे आज हम चर्चा करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा। और देखिए, दूसरी चीज़ में मैं करेक्शन बता रहा हूँ कि बहुत भाई जो एक करेक्शन करके रखे हैं, इन पे भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नेम, फादर, टाइटल, आधार कार्ड, ये सब में बहुत सारे गलत हुए हैं, तो उनका करेक्शन होगा या नहीं होगा ये चीज़ आपको मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा गलत कर दिए हैं, तो चलिए हम देखिए बताते हैं। फर्स्ट चीज़ में आपका ये चीज़ आप देख लीजिए, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। जिन भाइयों का अगर मैसेज रिजेक्ट का आ गया है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, जिन भाइयों का रिजेक्ट का मैसेज आ गया उनका एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड यहाँ सबका बनना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि जिन भाइयों का एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वो फिजिकल में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड ही नहीं बनेगा, वो नहीं आएंगे। लेकिन जिनका एक्सेप्ट हो गया है उनका एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद भी, एक्सेप्ट होने के बाद में भी फिजिकल के दिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल के दिन छटेंगे। मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ के साथ बताता हूँ कि कैसे आपको अब छटेंगे जो, और जिनका कुछ थोड़ा बहुत गलत होगा उनको एक्सेप्ट लिया जाएगा फिजिकल के दिन। चलिए, हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। जिनका मैसेज नहीं आया है, किसी पे मैसेज आया या नहीं आया, लेकिन अप्रूव हो गया अगर स्टेटस में, बेसब के स्टेटस में अगर अप्रूव हो गया है, तब आपका जाके एडमिट कार्ड आएगा। ये चीज़ आप ध्यान से पहले समझ लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर मैसेज नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका अप्रूव हो गया तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ आप कंफर्म रहिए। लेकिन मैसेज आया है रिजेक्ट का तो उनका नहीं आएगा। अगर मैसेज आया और लेकिन रिजेक्ट का आ गया तब भी उनका नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि किनका एडमिट कार्ड आएगा और किनका नहीं आएगा। इतना चीज़ तो जो है, जो मैं आपको फुल प्रोसेस बता दिया। अब बात रही दोस्तों करेक्शन की, देखिए अब करेक्शन में किनका वहाँ सही होगा और फिजिकल फिट होने के बाद में उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और किनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिनको मतलब फिजिकल हो जाने के बाद भी उनको डॉक्यूमेंट में छाट दिया जाएगा, ये चीज़ पे आप पहले समझ लीजिए। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप उस दिन बोलोगे सर आपने ये चीज़ बताया नहीं था हमको और हमारे साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, स्किप मत कीजिए, आप लोग ध्यान से पहले समझिए कि आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, अगर नेम में, मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले आप समझिए, नेम में मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट पे मान लीजिए कुछ भी है, जैसे मैं आपको अपना नाम लेकर, उदाहरण लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे चिंटू कुमार है, आपका सर्टिफिकेट में क्या है, चिंटू कुमार, ये चीज़ आप पहले ध्यान से समझिए, ये क्या है, चिंटू कुमार है नेम में। लेकिन ये सर्टिफिकेट में है आपका टेंथ का हो या फिर आप टेंथ का या ट्रेड सर्टिफिकेट दिए हैं उसमें अगर चिंटू कुमार है, चलिए उसमें सर्टिफिकेट में, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड में यहाँ पे चिंटू कुमार यादव हो गया, अगर आधार कार्ड में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट एक प्रूफ दे रहा है कि भाई चिंटू कुमार है। लेकिन आधार कार्ड में अगर यादव है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको 100% ये चीज़ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फादर में भी वैसे ही है कि अगर फादर का नेम में मान लीजिए कि आपने लिखा कि कृष्णा कुमार, जैसे कृष्णा प्रसाद मैं लिख देता हूँ, कृष्णा प्रसाद ये चीज़ हो गया, लेकिन आधार कार्ड में अगर कृष्णा प्रसाद की जगह अगर यादव भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो गया। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि आधार कार्ड में अगर यादव भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट में सेम टू सेम
मिलना चाहिए, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। आधार कार्ड पे गलत होते रहते, इस चीज़ से आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक टाइटल जो अभी मैं आपको चर्चा किया कि टाइटल में आपको कुछ भी रहेगा वो चलेगा आधार कार्ड में, लेकिन सर्टिफिकेट में आपको नहीं होना चाहिए, इनका एडमिट कार्ड 100% आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी में भाई बहुत सारे ऐसे कैटेगरी में क्या गलत कर दिए हैं कि जो भाई जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, ये चीज़ आप पहले ध्यान से सुनिए। तो आपने फॉर्म, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लो कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फॉर्म आप मिस्टेक से भर दिए या गलत से भर दिए या जैसे भी भर दिए, आपने एसटी कैटेगरी में आपने फॉर्म डाल दिए, ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपने एसटी कैटेगरी में फॉर्म डाल दिया, अगर आपका एक्सेप्ट का मैसेज आ भी गया है दोस्तों, तो उस दिन फिजिकल के दिन आपको एसटी का सर्टिफिकेट मांगेगा, ना कि ओबीसी का मांगेगा। ये चीज़ पहले आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आपने एसटी का फॉर्म डाला कि मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, तो फिर ओबीसी का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप वहाँ दिखाओगे सर मैं ओबीसी हूँ, एसटी में गलत से भरा गया, तो ये चीज़ वहाँ मान्य नहीं होगा, ये चीज़ आपको गलत हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ पे आपको समझना है, ये चीज़ पे आपको समझना है और फोकस करना है दोस्तों, कि आप अगर जनरल से हो और आपने एससी कैटेगरी में फॉर्म डाल दिया, आपका एक्सेप्ट का मैसेज आ गया, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, फिजिकल भी आप फिट हो गए, जब डॉक्यूमेंट चेक होगा तो वहाँ पे आपको जनरल का ना डॉक्यूमेंट मांग के आपको एससी का डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आप एससी का डॉक्यूमेंट दो। आप बोलोगे सर मैं जनरल से हूँ, मेरे से गलती से फॉर्म हो गया, तो उस दिन ये चीज़ नहीं होगा, उस दिन आपको करेक्शन होगा, उस दिन आपको छाट दिया जाएगा, सारा चीज़ फिट होने के बाद में भी आपको छाट दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनका एक गलती हो गया वो ऐसा कि वो फिजिकल में जाए ही ना, जाना है आपको, एक्सेप्ट का मैसेज आ गया, जाना है, शायद आपका लक या किस्मत साथ दे तो ये चीज़ चेंज हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को फिजिकल के दिन जाना है। लेकिन आपको कुछ ऐसा ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी तरह से अगर पार हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको अगर एक गलती की है तो सबसे बड़ा भूल की है दोस्तों, ये चीज़ वाला में आप सबसे बड़ा भूल किए हैं। बाकी इन चीज़ों में आपको सारा चीज़ मैं समझा दिया, आप लोग का अब एडमिट कार्ड आएगा। अब आप लोग का मैं 2-3 तारीख से आप लोग का ट्रेड पे मैं वीडियो बनाऊंगा, 2 या 3 तारीख जो आ रहा है जुलाई, मैं उससे आपको सारे ट्रेड का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, कुक हो, वाटर कैरियर हो, वाशरमैन हो, सारे ट्रेड पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अभी तक आप हमारे अगर चैनल पर बने हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।